YouTube चैनल पे डाल दे। ए यहां पे डाल दे दीपक। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स यू। दोस्तों अभी बजे सुबह के 5 और मैं आपको लेके जा रहा हूँ शीतला माता मंदिर। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे बहुत ही भव्य रूप में, कहा जाए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से छठ पूजा की जा रही है। दोस्तों माताएं अपने पुत्र के लिए सुबह से ही तालाब पर डूबी होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, कितने सारे लोग छठ पूजा कर रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों हमारे साथ। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपनी साइकिल से, क्योंकि दोस्तों ठंड का सीजन आ चुका है, विंटर सीजन, तो हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्म तो रखना ही पड़ता है। इसलिए मैं आज आपको साइकिल से ही लेके जा रहा हूँ, ताकि हमारे शरीर का बॉडी फिटनेस बना रहे और साथ ही हमारे शरीर में थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे। तो चलो दोस्तों आप पहुंच के आपको दिखाते हैं। हम पहुंच ही गए माँ शीतला माता मंदिर तालाब, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। ये देखो दोस्तों जैसे ही हम पहुंचे मंदिर प्रांगण में, लोगों द्वारा मशाल छोड़ा गया। सुबह से ही लोगों का मंदिर प्रांगण में आना शुरू हो गया। मंदिर प्रांगण में जबरदस्त आतिशबाजी भी किया गया। दोस्तों आप देख रहे हैं छठ पूजा शत्रुपा माँ शीतला माता मंदिर सिविल लाइन दुर्ग। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है, उनकी संस्कृति है। पर्व छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में ही मनाया जाता है, जो वैदिक काल से चला आ रहा है और यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावधि भी मानते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्यौहार प्रवासी भारतीय के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद और कुछ शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया जाए। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है, त्यौहार के लिए अनुष्ठान कठोर है और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी वृत्ता से दूर रहना है, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना है और प्रसाद प्रार्थना, प्रसाद और अर्घ देना शामिल है। परवातिन नामक मुख्य उपवासक संस्कृति पर्व से जिनका मतलब अवसर या त्यौहार आमतौर पर महिलाएं होती हैं, हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्यौहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री पुरुष, बूढ़े जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर के रूप में एक दोस्तों सन मार्च करते हैं। टाइम हो चुका है, हमें क्या बता रहे हैं।
निकालने का। ऐसे पेपर में लिखल देना ना, दे देना ना, आप कितना लगे बता दे, ठीक है? तो पूरा ले लेना, मंडप का भी ले, तो वहाँ का भी लेना है।
दोस्तों जिसका वेट था हमारी माताओं को, वो आखिर निकल ही आया हमारे सूर्यदेव जी। बहुत ही सुंदर नजारा दोस्तों।